स्थानीय निकायों के चुनाव में जिस तरह की व्यवस्था का दावा प्रशासन ने किया उसको सीधा उलट करते हुए हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं आपको, कि जो तस्वीरें खुद ही बयां करेंगी कि आखिर प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है। कई स्थानों पर टेंट में व्यवस्था की गई है, टेंट में मतदान केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये टेंट है। हम अपने सहयोगी धर्मेंद्र को कहेंगे, धर्मेंद्र दिखाएं किस तरह से टेंट में वोटिंग हो रही है। अनोखा नजारा है, यूं कहा जाए कि क्या व्यवस्था है। एक तरफ आदर्श मतदान केंद्र की बातें प्रशासन की ओर से होती हैं, दूसरी तरफ टेंट में व्यवस्था होती है मतदान करने की। और मतदान यहां हो रहा है, यहां पे ईवीएम लगे हुए हैं जो हम आपको शायद नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं कि आखिर क्या इंतजाम हैं। आप यहाँ पे अभिकर्ता है, क्या इंतजाम है यहाँ पे? यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, हम लोग को काफी गर्मी लग रही है और गर्मी के चलते हम लोग को दिक्कत हो रही है। और जितने भी वोटर आ रहे हैं वो तो कुछ कुछ खोजने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग को भी परेशानी हो रहा है कि समय से जो परसेंटेज जाना चाहिए वो नहीं हो रही है। हमारे साथ मतदाता भी हैं, उनसे जानते हैं, एक मतदाता भी हैं। आपने वोट कर लिया? नहीं, मैंने अभी तक किया नहीं है, मैं अभी जा रही हूँ करने के लिए। बट मुझे दिक्कत बहुत हुई है, मैं 10:30 बजे से घूम रही हूँ, जहाँ जहाँ बहुत जगह गई, लास्ट में यहाँ मेरा ये लास्ट था, क्योंकि इसके आगे शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इतना घूम घूम के मैं अपना नाम ढूंढूं। इसलिए मेरा ये एडमिनिस्ट्रेशन से या झारखंड गवर्नमेंट से ये मेरा शिकायत है कि यहाँ का मैनेजमेंट एकदम फेलियर है। आई एम वेरी सॉरी टू से द मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली मीन्स इट्स अ डिवास्टेटिंग वन। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतदाता ये कह रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो प्रशासन के प्रतिकूल हैं। एक और मतदाता है, आपने वोटिंग किया? जी हम तो वोटिंग दिए है, मैं बहुत परेशानी के साथ दिए, इसलिए कि एक तो गर्मी है और इधर भी तो इधर उधर से होके तब जाके ये हमको यहाँ पर लिटिल पल्स स्कूल में मिला और जो मैं वोट दिया हूँ। झारखंड सरकार भले ही दावा करे और जो प्रशासन है, निर्वाचन आयोग है, वो दावा करे कि तमाम सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं खुद ही बयां करती हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। देखिए आप, टेंट में अगर मतदान हो तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और तमाम बातें खुलकर आती हैं। आप लोग क्या समझते हैं, किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था तो उचित नहीं है। हम लोग तो सुबह कल 6 बजे से ही भुगत रहे हैं, पहले मोराबादी में भुगते, फिर अब यहाँ पे आए। यहाँ पे भी जो देख ही रहे हैं वो तो स्पष्ट दिख ही रहा है सब कोई को, जो स्थितियां हैं वो बयान कर रही हैं। जिला प्रशासन और जो निर्वाचन आयोग है उसको शायद देखना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं बने, और मतदान जो लोकतंत्र का महापर्व है ऐसे में मतदान सुचारू रूप से और सुविधाजनक हो। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अशोक कुमार, APN रांची।